अगली खबर में बात करते हैं दमोह से, जहां भाजपा की नीतियों से असंतुष्ट होकर कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से पार्टी की नीतियों से आहत होकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पदाधिकारियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा सौंपने वालों में 3 बार के पूर्व जिला महामंत्री, 10 साल युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रहे रमन खत्री, जिला मीडिया प्रभारी एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष पद पर रहे कपिल सोनी, जिला मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष रहे मनीष तिवारी, मंडल महामंत्री एवं मंडल अध्यक्ष रहे संतोष रोहित, आनू से जनपद सदस्य रहे एवं मंडल अध्यक्ष अभिलाष मिंटू हजारी, मंडल अध्यक्ष भाजपा रहे देवेंद्र सिंह राजपूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रमन खत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि वर्तमान भाजपा में सक्रिय एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की घनघोर उपेक्षा की जा रही है और जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं उनको अधिक सम्मान दिया जा रहा है। पुराने कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। जो नेता दल बदल कर रहे हैं उनके पैरों के तले भाजपा की मूल विचारधारा को रौंदने का काम किया जा रहा है। इससे मन बहुत ही आहत है और इसी कारण से हम सभी ने भाजपा प्रति प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हम किसी अन्य दल में शामिल नहीं होंगे, यह स्पष्ट है। अच्छे विचार को जो आगे ले जाने और जो अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त दमोह की पहल करेगा, हम उसके साथ हैं। सिद्धार्थ मलैया ने ऐसी पहल की है तो हम उनके साथ हैं। कपिल सोनी ने कहा कि भाजपा में जो गतिविधियां चल रही हैं वह भाजपा संगठन की विचारधारा के अनुरूप नहीं है। उन मूल विचारधारा पर काम नहीं किया जा रहा है। मूल विचारधारा खत्म होती जा रही है। सत्ता के लालच में मूल विचारधारा को खत्म किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा में उन सभी पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से जुड़े हैं, उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी। उन्हें बैठकों में और कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जा रहा था और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इन सभी बातों से प्रताड़ित होकर और आयातित नेताओं को मूल कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठाकर जो मूल कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है, उससे क्षुब्ध होकर हम सभी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। उपचुनाव की हार के कारण हम सभी को निलंबित किया गया तो क्या उपचुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी केवल हम 5 मंडल अध्यक्षों की थी? और यदि हाँ तो क्या उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित करने में हम सभी से पूछा गया था? निलंबित मंडल अध्यक्ष जब इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे तो जिला अध्यक्ष ने उनके इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया कि आप सभी निलंबित हैं, आपका इस्तीफा कैसा? तब मनीष तिवारी ने कहा कि हम निलंबित हैं, निष्कासित नहीं, और पार्टी संविधान के अनुसार हम आज भी भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं। इस प्रकार की बातचीत के बाद जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अन्य निलंबित मंडल अध्यक्षों के भी इस्तीफे लिए हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्धार्थ भाई ने इस्तीफा दिया था। पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे थे कि मैंने पार्टी में, हम हैं कपिल जी, मनीष जी हैं, संतू जी हैं, अपने अभिलाष हजारी मिलती हैं, देवेंद्र हैं, 4 ये मंडलाध्यक्ष हैं और मैं पूर्व जिला महामंत्री रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 3 बार महामंत्री रहा हूँ। कपिल जी पिछले वर्ग मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं। युवा मोर्चा में भी मैंने लगभग 10 साल जिला अध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है, जो मैंने इस्तीफा में भी उल्लेख किया है, जो आपको एक कापी देंगे, कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वरिष्ठ और पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी घनघोर उपेक्षा हो रही है और दल बदल कर जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं उनके पैरों तले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मूल विचारधारा को रुंधवाने का काम कर रहे हैं, जिससे मन काफ़ी आहत है। मैं इसी कारण से आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से हमने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ और नए युवा साथी हैं जो जयंत मलैया जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है सभी प्रकार से। इन सब तरीकों से हम लोगों ने प्रताड़ित होकर, और जो कांग्रेस से आई हुई जो नेता हैं, आयतक नेता हैं जो दूसरे दलों से आई हुई, उनको हमारे मूल कार्यकर्ताओं ऊपर बैठा कर नेता बनाकर उन्हें बड़े बड़े पद देकर उनको राजनीति करवाने का हम लोगों का बड़ा मन शुभ है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस्तीफा देने आए थे। जो दमोह भारतीय जनता पार्टी है, उनकी गतिविधियाँ ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के अनुरूप चल रही है। जो विचारधारा को लेके लगभग 30 वर्षों तक काम किया पार्टी में, आज वो विचारधारा हमें लगता है लुप्त होती जा रही है और सत्ता के लालच में ऐसे विचारों को खत्म किया जा रहा है। इससे आहत होकर मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दूँ।